हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम आपको एसएससी फेज 8 की कट ऑफ बताएंगे। उसी के आधार पर दोस्तों आप अनुमान लगा सकते हो कि एसएससी फेज 9 में इतनी कट ऑफ जाएगी। देख सकते हो दोस्तों, तीनों ही लेवल का हमने कट ऑफ रख लिया है बनाकर। ये हाईएस्ट कट ऑफ है एसएससी फेज 8 में। जो वैकेंसी आई थी उनमें जो मैट्रिकुलेशन लेवल यानी कि जो 10th लेवल की जो जॉब थी यानी कि ऑफिसर अटेंडेंट और एमटीएस की, उनमें दोस्तों 155 कट ऑफ गया था हाईएस्ट, 155.32482, ये आप देख सकते हो। और ये पोस्ट कोड है ER12320। तो दोस्तों यदि आपको सिलेक्शन लेना था एसएससी फेज 8 में तो लगभग आपके इतने मार्क्स तो होने ही चाहिए एमटीएस लेवल वाली जॉब पाने के लिए। उसके बाद देख सकते हो हायर सेकेंडरी लेवल यानी कि 10+2। तो दोस्तों यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए की वैकेंसी आई थी, इसका ये पोस्ट कोड था और कट ऑफ गई थी 174। तो दोस्तों हायर सेकेंडरी लेवल में जितनी भी कट ऑफ गई थी उनमें सबसे हाईएस्ट यही थी। तो दोस्तों 174 नंबर इतने तो आपको लाने पड़ेंगे और इस बार इससे हाई भी कट ऑफ जाएगी। उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल की है डाटा एंट्री ऑपरेटर की थी NR13720 और ये कट ऑफ गई थी लगभग 158 नंबर। तो दोस्तों मैं आपको एसएससी फेज 8 की कट ऑफ है, ये तो हाईएस्ट कट ऑफ है पोस्ट कोड के सहित एसएससी फेज 8 की है। अब मैं आपको बता दूं फेज 9 की कितनी जा सकती है। यहाँ पर आप 160+ ही टारगेट करना, तभी आपको कोई भी एमटीएस की जॉब मिल जाएगी। यदि आप 160+ आउट ऑफ 200 लाओगे तभी आपको एमटीएस की जॉब मिलेगी एसएससी फेज 9 में। उसके बाद जितनी भी 10+2 लेवल की जॉब हैं उनमें आपको 170+ तो लाना ही होगा। जिनमें दोस्तों नॉर्मल 12th मांगा गया है उन्हीं की बात कर रहा हूँ, जिसमें ओनली 10th। यदि दोस्तों किसी में 10+ ITI मांगा गया है तो उनमें कट ऑफ बहुत ही कम चली जाएगी, 100 के नीचे भी। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ नॉर्मल वाली वैकेंसी हैं जिनमें सिर्फ 12th मांगा गया है, सिर्फ 10th मांगा गया है या फिर सिर्फ ग्रेजुएशन। क्योंकि दोस्तों कई टेक्निकल वैकेंसी होते हैं, उनमें कई प्रकार के डिप्लोमा मांगे जाते हैं, उनमें कट ऑफ बहुत ही कम जाएगी, 100 के नीचे भी, 80 नंबर तक चली जाती है उनमें कट ऑफ। जिनमें किसी प्रकार की विशेष एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है उनकी कट ऑफ बहुत ही कम जाएगी। ये सिर्फ नॉर्मल वाली हैं, जैसे कि जिसमें सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा गया है जिसके लिए सब अप्लाई कर सकते हैं, उसकी कट ऑफ लगभग इतनी गई थी। लेकिन अब दोस्तों 160+ ही जाएगी। तो दोस्तों ये था कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बता दिया हमने 2021 की वैकेंसी के लिए एसएससी फेज 9 का, और दोस्तों एसएससी फेज 8 का भी कट ऑफ आपको बता दिया। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।